वन्य जीवों का अभयारण्य बनना चाहिए। वहाँ चौखंबा जैसे नए नई प्रजातियां दिखाई पड़ रही हैं। सबका संरक्षण होना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए। अगर वन विभाग के साथ ये जितने इसके लिए बोर्ड बने हुए हैं ये क्या करते हैं ये पता नहीं चलता है, मगर तिथि अनुपूरक में उनके लिए व्यय का प्रावधान कर दिया गया है महोदय। इसी तरह से हमारे शहरों में वायु प्रदूषण की जैसी स्थिति है, उस स्थिति के बारे में हम क्या चिंता करें? हमको नहीं पता है और देश को भी नहीं पता है कि झारखंड के किस शहर में वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है। जहां वायु प्रदूषण के संयंत्र लगने चाहिए नापने के लिए, चाहे जमशेदपुर हो, धनबाद हो, बोकारो हो, रांची हो, नहीं लगे हैं। बीआईटी मिश्रा ने अध्ययन किया है रांची को औद्योग, रांची को व्यावसायिक शहर मानकर, जमशेदपुर को औद्योगिक शहर मानकर, और इतनी बुरी स्थिति उस अध्ययन में दिखाया गया है, मगर हमारे यहाँ रियल टाइम में सही समय में प्रदूषण की किस जगह क्या स्थिति है ये राज्य और विश्व दुनिया के नक्शे पर प्रदूषण के ये है ही नहीं। एलिफेंट ट्रैकिंग के लिए सबके लिए प्रावधान किया गया है बजट में, कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये वायु प्रदूषण, जंगल, इसकी जैसी स्थिति है। हम लोग दामोदर नदी पर काफी काम किए और काफी प्रयास के बाद दामोदर का पानी साफ हुआ, मगर फिर से बीसीसीएल की जो आउटसोर्सिंग खदानें हैं वो डंप कर रही हैं नदी के कछार तक। कोई नदी के भीतर जाता है उसके लिए नियम कानून बने हुए, क्या काम कर सकते हैं? हमारे बिल्डिंग बायलॉज बने हुए हैं, किसी का अनुपालन नहीं हो रहा है। अभी नगर विकास विभाग में एक नई योजना आई है रिवर सिटी अलायंस की, कि शहरों के कारण नदियों का स्वास्थ्य खराब ना हो, दोनों में संधि रहे, इसका प्रयास होना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी नगर विकास विभाग ने इस दिशा में कोई कदम उठाया। महोदय, नगर विकास विभाग ने जमशेदपुर को नोटिफाइड एरिया कमेटी से बदल कर उसको औद्योगिक नगर समिति बना दिया। वहां संविधान में लिखा है कि ऐसे शहरों में जहां निजी या सरकारी क्षेत्र की कोई एजेंसी ये चाहती है जन सुविधाएं देना, पानी, बिजली, सफाई करना, तो वहां नगर पालिका का गठन नहीं भी किया जा सकता है। जमशेदपुर को उसी श्रेणी में रखा गया है। अब संविधान कहता है कि राज्यपाल निश्चित करेंगे कि कैसे हम बनाएंगे, कितना एरिया होगा, पूर्णतः होगा, अंशतः होगा, कितना क्षेत्र में बनाएंगे, मगर सरकार ने राज्यपाल को छोड़कर अपने कैबिनेट से ही बना दिया। ये अल्ट्रा वायरस है, असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार का जो नगर पालिका अधिनियम है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कहीं ये समिति बनती है औद्योगिक नगर की, तो वहां के उपायुक्त उसके अध्यक्ष होंगे, ये अधिनियम कहता है। और कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं, स्थानीय मंत्री हैं, ये दोनों मंत्री ही में से कोई अध्यक्ष वहां होंगे। जनता का कोई प्रतिनिधि होगा कि नहीं होगा? 11 टाटा स्टील के होंगे, 9 सरकार के होंगे, 8-10 हम लोगों जैसे लोग होंगे, मगर जनता के जो 16 वार्ड वहां है उस वार्ड का एक भी प्रतिनिधि होगा कि नहीं होगा ये उसमें दिया हुआ नहीं है। माननीय सदस्य महोदय, सरकार, हम मैंने ये कह रहा कि जिस सरकार के विभागों पर वित्त विभाग अनुपूरक के माध्यम से, बजट के माध्यम से खर्च कर रहा है, तो जरा हिसाब भी रखना चाहिए वित्त विभाग को, ये विभाग इस पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी 6-5 दिन का समय है, आप और मौका देंगे तो और बातों को हम बोलेंगे। अब आपका इशारा हो रहा है, लाल बत्ती जल रही है, तो मैं इतना ही माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा, जरा सदन को आश्वस्त करें कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जो संरचनाएं बनी हुई हैं यहाँ, वे कितनी कामयाब हैं, कितनी मजबूत हैं, पैसा कैसे खर्च हो रहा है, उसका हिसाब किताब रखेंगे कि रखेंगे, या केवल इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों को मान लेंगे कि ये सरकार की उपलब्धि है। महोदय, मैं इन्हीं बातों को वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ आसन को कि आसन ने मुझे 2 मिनट बोलने का समय दिया। सरकार का उत्तर, माननीय मंत्री। धन्यवाद महोदय। कटौती
पटमूसन में बोलते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि खर्च बहुत कम हुए हैं, 1,16,000 से अधिक करोड़ बजट बना था 23-24 का, दिन खर्च बहुत कम हुए हैं, कुछ आंकड़े उन्होंने बताए, वो पुराने आंकड़े थे। महोदय 31 जनवरी 2024 तक बजट में जो राशि का प्रावधान किया गया है उसमें 75,684 करोड़ खर्च हो चुके हैं और इस महीना में लगभग 25,000 करोड़ खर्च होने की संभावना है। ये बताना चाहता हूं सदन को, माननीय सदन को, कि ऐसी बात नहीं है, अखबारों में छपे वही सच्चाई है, ऐसा नहीं है, विभाग से पता कर लेना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा वित्तीय प्रबंधन के बारे में। महोदय 2019 में चुनाव हुआ, गठबंधन की सरकार बनी, हमारे नेता गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और अभी श्री चंपे सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वित्तीय प्रबंधन इससे बेहतर नहीं हुआ कभी, ये बेहतर वित्तीय प्रबंधन है क्या? पहला उसका, उसकी पहली चीज है साइज ऑफ द बजट, पहला देखना कसौटी, पहली कसौटी होगी साइज ऑफ द बजट, पीछे मुड़ के देख लीजिए बजट का साइज कितना रहा है पिछली सरकारों में और 2020-21 से कैसे साइज ऑफ द बजट बढ़ा है, 84-85 हजार करोड़ से ज्यादा पिछली सरकारों में नहीं रहा, और पहले तो शुरुआत में तो बहुत बहुत कम था लेकिन 84-85 हजार करोड़ रहा इस सरकार के पहले आने के। हमारे समय में 1,16,000 से अधिक करोड़ ये साइज जब भी बजट हुआ बढ़ा, तो वित्तीय प्रबंधन बेहतर है कि खराब है ये जज करने की चीज है। दूसरी कसौटी है महोदय कि क्या सरकार, बजट बनता है रेवेन्यू से, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू से, फिर डेट से भी कर्ज से भी, क्या सरकार रेवेन्यू, इस सरकार में रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बहुत बढ़ा है महोदय, रेवेन्यू बहुत बढ़ा है। जब मैं उत्तर दूंगा मुख्य बजट 2024-25 का तो उसमें बताऊंगा कितना बढ़ा है। तीसरा, रेवेन्यू बढ़ाना और एक्सपेंडिचर बढ़ाना, दोनों, रेवेन्यू बढ़ा एक्सपेंडिचर भी बढ़े, ये देखना, ये कसौटी होती है अच्छे वित्तीय प्रबंधन की। तीसरी कसौटी होती है महोदय कि हमने खर्च किया तो उसका आउटकम क्या, फल क्या हुआ? एक रोड बनी मान लीजिए 10 करोड़ से, तो क्या रोड लोगों के चलने लायक बनी? आउटपुट हुआ 10,000 करोड़ खर्चा करके हम रोड तो बना लिए, दैट इज आउटकम, आउटकम हुआ, आउटपुट हुआ। अब आउटकम क्या, जब तक उस रोड में गाड़ियों का आना जाना नहीं हो, पैसेंजर का आना नहीं, आना जाना नहीं हो, तो आउटकम कैसा? कुछ नहीं, आउटपुट रहने से भी आउटकम नहीं हो पाता, ये देखना है बजट में वित्तीय प्रबंधन का। तीसरा है, चौथा है महोदय, तीसरा है एक्सपेंडिचर में भी, जैसे कि सरजू राय जी बोल रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। क्या कि दो चीजें होती हैं बजट में मुख्य चीजें, एक होती है कल्याणकारी योजनाओं में खर्च, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, वित्तीय, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को कैपिटल कर दिया एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बढ़ाया कि नहीं बढ़ा? काफी बढ़ा है महोदय, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सरकार में काफी बढ़ा हुआ है, बताऊंगा फिर जब मुख्य बजट का उत्तर देने लगूंगा तब। तीसरा महोदय वित्तीय प्रबंधन का कसौटी कि आप
खर्च आप रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं, क्या बचाते हुए कुछ सेविंग भी करते हैं? महोदय हम अपने परिवार में भी इनकम का एक हिस्सा बचाते हैं बुरे दिनों के लिए। सरकार को ऐसे ही करना चाहिए, अधिकतर सरकारें करती थी। जब मैं वित्त मंत्री बना तो मैंने पूछा कि भाई सिंकिंग फंड में कितने पैसे हैं, तो लोगों ने कहा कि सिंकिंग फंड है क्या, हमने यही तो सेविंग है राज्य की। मैंने शुरू कराया कि सरकार में शुरू किया गया सिंकिंग फंड, और आज 1600 करोड़ सिंकिंग फंड में RBI में रखा हुआ है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। पांचवी कसौटी है महोदय, एक कानून है FRBM, GDP का 3% से ज्यादा नहीं खर्च करना है, न तो बैड मैनेजमेंट हो जाएगा, रेवेन्यू का बैड मैनेजमेंट कहलाएगा 3% से ज्यादा खर्चा करना। महोदय 22 देश में इस राज्य में FRBM के हमने उसको माना और 1% उसका खर्च किया, 3% नहीं जाने दिया, 1% से बढ़ने नहीं दिया, 1% खर्च किया हम लोगों ने, 1% के अंदर रखा उसको। फिर कहा पांचवा छठा हो गया महोदय वित्तीय मंच का, कर्ज लेते हैं सूद देते हैं उसका। वित्तीय प्रबंधन बेहतर तब होगा जब कम से कम सूद पर हम कर्ज लें, कर्ज ना हो सके राज्य के लिए, कम से कम सूद पर कर्ज लें। यहाँ 11% 12% पर सूद पर लिया गया था पहले की सरकार में। हमने क्या किया, हमने किया कि प्री रिपेमेंट किया 2-3 बैंकों का, मैंने प्री रिपेमेंट किया उसको, पहले पूरा पैसा लौटा दिया, अब उसको सूद में हमको देना नहीं है। और ये हम अगले साल भी करने, अगले वित्तीय साल भी करने वाले हैं, सूद को खत्म करने वाले हैं, ताकि सूद का बोझ लोगों पर, कर्ज का बोझ लोगों पर कम से कम पड़े। सरजू राय जी का मैं प्रशंसक रहा हूं पहले से, पटना के दिन बिहार के दिनों से इनको बहुत पसंद करता हूं, इनके जो बात बोलते हैं उसको गहराई से मैं ध्यान देता हूं और अच्छी बातें बोलते रहे। इन्होंने चर्चा की ऑडिट की, खर्च किए तो कहां खर्च किए आप, या खर्च किए भी नहीं क्या किए? तो खर्च का हिसाब किताब 2020 के पहले की सरकारों ने नहीं रखा, ऑडिट नहीं कराया। पहली दफी सरकार में ऑडिट वित्त विभाग ने कराया, और ये चौंकाने वाली बात ये मिली कि इन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का कोई हिसाब किताब नहीं है। धीरे धीरे हम लोग हिसाब ले रहे हैं, लगभग आधी राशि का हिसाब मिला है, लेकिन अभी बाकी है। तो माननीय सरजू राय जी को बताना चाहता हूं कि हम जागरूक हैं इस बिंदु पर भी, इस ओर भी हैं हम कि खर्च करेंगे तो हिसाब भी रखें, कैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, खर्च हो भी रहा है कि नहीं, कहीं डाइवर्सन तो नहीं हो रहा है, कहीं घपला तो नहीं हो रहा है, ये सब का भी ध्यान हम लोग कर रहे हैं ऑडिट का। अंत में महोदय बेहतर वित्तीय प्रबंधन का एक कसौटी और भी है कि हम फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। फिजूल खर्ची करेंगे और कहेंगे बेहतर वित्तीय प्रबंधन है तो ऐसा नहीं चलेगा। पिछली सरकार में हुआ है, हम उस पर नहीं, उस शब्द का प्रयोग सोनू जी कर चुके हैं, हम उसको नहीं दोबारा बोलेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो फिजूल खर्ची है ये सरकारों को अवॉइड करना चाहिए। महोदय अब सवाल उठता है कि अनुपूरक बजट क्यों, अनुपूरक बजट क्यों लाया जाता है, और कई बार चर्चा इसमें हो चुकी है, फिर भी एक बार दोहरा देता हूं मैं। महोदय सदन की समझ में कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के बजट के अनुरूप राज्य सरकार का बजट भी लचीला होता है, ताकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नवीन योजनाओं एवं अन्य आकस्मिकताओं से संबंधित अनुपूरक अनुदान
यह विनियोग के प्रस्ताव पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 2005 एक क के अधीन सदन की सहमति प्राप्त की जाए। जो भी एक एक पैसे भी खर्च करेंगे तो सदन की अनुमति लेकर खर्च करेगी राज्य सरकार, यही संवैधानिक व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष के मध्य में प्रारंभ होने वाली नई योजनाओं के संचालन के लिए कई बार राशि की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाओं में विमुक्त की जाने वाली राशि के समतुल्य राज्यांश का उपबंध करना राज्य सरकार की बाध्यता है, अन्यथा केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि के लाभ से राज्य वंचित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बजटीय वर्गीकरण को शुद्ध करने के लिए राशि का प्रत्यार्पण करते हुए इसका उपबंध यथोचित नए सिरे से करना पड़ता है। बजट अनुमानों में यथासंभव सभी मदों पर व्यय के लिए उपबंध किया जाता है। फिर कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब एक या अधिक मदों में या किसी नई योजना पर जिसे मूल बजट अनुमान में शामिल नहीं किया गया हो पर व्यय करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा अनुपूरक बजट सदन में लाया जाना अपेक्षित हो जाता है, विशेषकर जब विधानसभा सत्र में नहीं होता और सरकार द्वारा कुछ अति आवश्यक कारणों से आस्थिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया जाता है तो उस पर विधानसभा की सहमति आगामी सत्र में ले लेना आवश्यक होता है। इसलिए अनुपूरक बजट पेश करना राज्य सरकार की बाध्यता है। यह जस्टिफिकेशन है अनुपूरक बजट की। महोदय, ज्यादा समय मैं भी नहीं लूंगा, संक्षेप में बताऊंगा अपनी बात को। इस डिमांड में तृतीय अनुपूरक डिमांड में मांग जो रखी गई है वो अगर किताब को पढ़ें 2023 के थर्ड सप्लीमेंट्री डिमांड्स में तो क्लियर कट है। एक चीज कहा कि होम डिपार्टमेंट के बारे में इतना बड़ा डिमांड क्यों रखा गया, उसके बारे में बताना चाहूंगा। महोदय, आपदा गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग का तृतीय अनुपूरक बजट 1,110 करोड़ 59 लाख है। इसमें 1,012 करोड़ 20 लाख रुपए आपदा प्रबंधन के हैं। केंद्र सरकार द्वारा आपदा मोचन निधि में 476 करोड़ 80 लाख क्रमांकित किया गया है, जिसमें 158 करोड़ 40 लाख रुपए राजांश देना है। इसके अतिरिक्त सुखाड़ राहत में 377 करोड़ रखी गई है। इस प्रकार आपदा प्रबंधन की राशि घटाने पर गृह विभाग पर मात्र 98 करोड़ की राशि गृह विभाग के लिए क्रमांकित है। दिखने में तो बड़ा लगता है लेकिन उसके अंदर बहुत सी राशियां। गृह विभाग सिर्फ लॉन ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए ये राशि नहीं ले रही है, आपदा प्रबंधन के लिए भी ले रही है। यह मानकर चलते हुए कि विभिन्न विभागों द्वारा मांगी गई राशि जो इस किताब में दी गई है उस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है, मैं यह कहना चाहूंगा कि बीते वर्ष 23-24 के तृतीय अनुपूरक विवरणी स्थापना व्यय मद में 1,334 करोड़ 60 लाख रुपये, राज्य स्कीम मद में 1,960 करोड़ 48 लाख रुपये, केंद्रीय सेक्टर स्कीम मद में 711 करोड़ 50 लाख रुपए एवं केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राजांश मद में 447 करोड़ 65 लाख रुपए तथा केंद्रांश मद में 526 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार तृतीय अनुपूरक के कुल राशि 4,981 करोड़ 3 लाख रुपए प्रस्तावित है। महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार के अनुपूरक प्रस्ताव से राज्य की राजकोषीय लक्ष्यों का प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य के आंतरिक वित्तीय संसाधनों के सघन पर्यवेक्षण तथा बेहतर प्रबंधन से इस अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड इकलौता राज्य है जिसने राजकोषीय घाटा को
कम करने में सफलता पाई। धन्यवाद महोदय। क्या माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपये घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूँ। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या 22 गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग गृह प्रभाग के लिए 31 मार्च 2034 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 97,67,27,000 रुपये की अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। प्रश्न यह है कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए भवन निर्माण विभाग 50 करोड़, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग 17,90,13,000, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग सहकारिता प्रभाग 11,65,000, ऊर्जा विभाग 3,98,60,33,000, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 1,51,000, वित्त विभाग 22,27,000, वाणिज्य कर विभाग 3,18,00,000, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 1,91,000, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 55,01,56,000, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 1,04,34,25,000, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा 44,04,20,000, उद्योग विभाग 1,85,73,53,000, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 54,75,95,000, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त 67,24,000, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 5,18,33,000, विधि विभाग 2,41,01,50,000, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग 1,51,09,50,000, विधानसभा 25,50,000, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग 24,83,000, योजना एवं विकास विभाग 10,80,53,000, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग आपदा प्रबंधन प्रभाग 10,12,92,00,000, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग 6,34,75,000, पथ निर्माण विभाग 3,89,00,000, ग्रामीण विकास विभाग 1,22,48,00,000, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा प्रभाग 55,65,00,000, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 5,50,000, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग पर्यटन प्रभाग 6,45,000, परिवहन विभाग 5,00,00,000, नगर विकास एवं आवास विभाग नगर विकास प्रभाग 58,70,22,000, जल संसाधन विभाग 1,50,11,00,000, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग प्रभाग 5,47,22,96,000, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग 90,000, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग डेयरी प्रभाग 7,51,000, ग्रामीण कार्य विभाग 83,01,25,000, पंचायती राज विभाग 6,51,95,38,000, नगर विकास एवं आवास विभाग आवास प्रभाग 1,00,000, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग
68,35,87,000, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 15,09,41,000 से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि हां के पक्ष में बहुमत है, हां के पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांगे स्वीकृत हुई। झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024, प्रभारी मंत्री वित्त महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024 को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुरस्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं इसे पुरस्थापित करता हूं। यह पुरस्थापित हुआ, विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 02 एवं खंड 03 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 एवं खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 27 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।